लोकसभा चुनाव के मतदान के दूसरे चरण में जिन क्षेत्रों में चुनाव होना है उनमें टीकमगढ़ भी शामिल है। मतदान की तारीख नजदीक आते ही टीकमगढ़ में निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान हो सके, इसके लिए निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पुलिस द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को मतदान का संदेश दिया जा रहा है। टीकमगढ़ पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी ने बताया कि शांतिपूर्ण मतदान के लिए जिले में चुनाव के लिए 10 कंपनियों को बुलाया गया है। इसमें 4000 पुलिस बल तैनात रहेंगे। वहीं जिले में अपराधी किस्म के लोगों का जिला बदर किया जा रहा है। 1800 शस्त्र लाइसेंस को जमाया कराया गया है और जिन शस्त्रधारियों पर अपराध दर्ज हैं उनके शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। अप्रैल को मतदान होना है, इस संदर्भ में पुलिस की ओर से तैयारियां कर ली गई है। बाहर से 10 कंपनियों का फोर्स मांगा गया है। कुल 4000 व्यक्तियों का एस्टिमेट बनाया है कि इतने पुलिसकर्मी पूरे जिले के अंतर्गत लगेंगे और पुलिस ने माइनर एक्ट की कार्रवाइयाँ की है, उसमें अवैध शराब, अवैध मादक पदार्थ, अवैध शस्त्रों के विरुद्ध कार्रवाइयाँ की जा रही है। जो व्यक्ति चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं या आपराधिक प्रवृत्ति के हैं उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ की गई है। 40 जिला बदर की कार्रवाइयाँ की गई है। इसके अतिरिक्त आर्म्स लाइसेंस जो हैं वो निरस्तीकरण कराए जा रहे हैं। लगभग 1800 आर्म्स जो हैं वो वैध जो हैं और वो जमा कराए जा चुके हैं और शेष आर्म्स लाइसेंसेस को सूचित करके उनसे आर्म्स जमा कराए जा रहे हैं और अवैध आर्म्स शस्त्रों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।